Bismillahirrahmanirrahim. Take 2 normal size potato, 2 red onion, 2 tomato, and we'll cut them in small pieces. Those chote aloo, pyaz or tomato leke, chote pieces me kaatne aur aaj hum vegetable wala omelette banayenge. छोटे छोटे पीस पोटैटो के करके पीस करने के थोड़ा सा कुकिंग ऑयल भूमेंगे 5 मिनट के लिए हाफ टी स्पून सॉल्ट थोड़ी सी क्रश चिल्ली थोड़ी सी बस ऐसे तो बहुत मारी दिया तो अब ओनियन और चिलीज इसमें डालेंगे 5 मिनट के लिए इनको भी पोटैटो के साथ फ्राई करेंगे अच्छा तो ऐसे 5 मिनट के लिए करते रहें फिर जब थोड़े से ब्राउन हो जाएं पोटैटो और प्याज गैस मीडियम रखनी ना ज़्यादा तेज और हल्की बस मीडियम थोड़ी सी ब्लैक पेपर डालेंगे No red chili, just black pepper or green chilies.
मिक्स करेंगे और थोड़े से ब्राउन भी हो गए, अब टमाटर डाल लेंगे। अब पोटैटो ब्राउन हो गए, प्याज भी ब्राउन हो गए, सॉफ्ट हो गए, सॉफ्ट हो जाए तो फिर टमाटर डाल दें और अब 2 मिनट के लिए इनको हिलाएं। थोड़े से इनको सॉफ्ट करने के लिए ऊपर लिड लगा देंगे और अभी देखते रहें, 1 मिनट के बाद थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे। अब पोटैटो सॉफ्ट हो गए और मसाला भी तैयार हो गया, अब हम एग्स ऊपर डालेंगे। सिर्फ लेवल करके गैस थोड़ी सी हल्की, सबस धनिया डालेंगे आगे। अब इसको लिड लगा देंगे और लिड के जरिए हम देख सकेंगे कि जब एग थोड़े से हो गए हैं तो फिर उठा लेंगे। अभी एग्स हो गए हैं, नज़र आ रहे हैं, आफ्टर 4 मिनट के बाद, 4-5 मिनट के बाद अब हो गए हैं। तो अब ढक्कन उठाएंगे और ये देखें कितना ब्यूटीफुल बन गया है। आप पराठे के साथ खा सकते हैं, ब्रेड के साथ खा सकते हैं, ये ब्रेड है, और पराठा चाहें तो पराठे के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ चाहें तो रोटी के साथ खा सकते हैं। एंड अब हम ट्राई करेंगे, अभी हम ट्राई करेंगे। देख, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बना। आप भी ट्राई करें और हमें कमेंट्स भेजें कैसा बना है। बहुत अच्छा बना, और खाएं और बनाएं और इंजॉय करें और हमारी वीडियो शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। इंशाल्लाह जब हम अगली कोई डिश बनाएंगे तो आपको अपलोड कर देंगे इंशाल्लाह।